वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी के लघुत्तरी प्रश्न नंबर 12 कराने वाला हूं, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न है। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपसे प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने एक तरफ प्रतिस्पर्धा को लिखा है और दूसरी तरफ हमारा संघर्ष है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रतिस्पर्धा का कि प्रतिस्पर्धा एक अचेतन प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा कैसी प्रक्रिया है? प्रतिस्पर्धा जो है वो एक अचेतन प्रक्रिया है, ठीक है। संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है। तो वैसे ही से याद कीजिएगा कि प्रतिस्पर्धा एक अचेतन प्रक्रिया है और संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है। सेकेंड पॉइंट हमारा, प्रतिस्पर्धा अव्यक्तिक होती है संघर्ष में, संघर्ष अधिकांशतः व्यक्तिगत होता है। प्रतिस्पर्धा जो होती है वो अव्यक्तिक होती है, ठीक है ना, और संघर्ष क्या होता है, ज़्यादातर व्यक्तिगत होता है। थर्ड पॉइंट हमारा, प्रतिस्पर्धा में प्राथमिक लक्ष्य स्वार्थ की पूर्ति करना होता है। प्रतिस्पर्धा में जो प्राथमिक लक्ष्य जो होता है वो स्वार्थ की पूर्ति करना होता है, ठीक है। संघर्ष में प्राथमिक लक्ष्य विरोधी पक्ष को क्षति पहुंचाना होता है। संघर्ष में के प्राथमिक लक्ष्य हमारा जो होता है वो विरोधी पक्ष को क्या होता है, उसको हानि पहुंचाना या उसको क्षति पहुंचाना होता है। और द्वितीयक लक्ष्य स्वार्थ की पूर्ति करना होता है। इसमें जो दूसरा लक्ष्य जो होता है वो स्वार्थ की पूर्ति करना होता है, जबकि प्रतिस्पर्धा में प्राथमिक लक्ष्य ही स्वार्थ की पूर्ति करना होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्रतिस्पर्धा में कि प्रतिस्पर्धा सामाजिक जीवन में निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। जो प्रतिस्पर्धा है वो सामाजिक जीवन में निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। संघर्ष में, संघर्ष का फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि संघर्ष विशेष परिस्थितियों में ही आवश्यक होता है, इसलिए यह निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है ना। प्रतिस्पर्धा कैसी प्रक्रिया है? प्रतिस्पर्धा जो है वो निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। और संघर्ष जो है वो अनिरंतर प्रक्रिया है, ठीक है। ये मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। फाइव पॉइंट है हमारा प्रतिस्पर्धा में, प्रतिस्पर्धा विरोध का अहिंसक रूप है। प्रतिस्पर्धा जो है वो विरोध का कैसा रूप है? अहिंसक रूप है, ठीक है। संघर्ष में फाइव पॉइंट है हमारा, संघर्ष विरोध का हिंसक रूप है, ठीक है ना। सिक्स पॉइंट हमारा कह रहा है प्रतिस्पर्धा में कि प्रतिस्पर्धा में दो पक्षों के अतिरिक्त निर्णायक तत्व तीसरा होता है। प्रतिस्पर्धा में जो दो पक्ष होते हैं उनके अतिरिक्त जो डिसीजन लेता है, जो निर्णय करता है, ठीक है, जो जज करता है, वो तत्व उनका तीसरा तत्व होता है उसमें। संघर्ष में तीसरा तत्व नहीं होता है, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है प्रतिस्पर्धा में कि प्रतिस्पर्धा में प्रायः प्रतिद्वंद्वियों को एक दूसरे का ज्ञान नहीं होता है। प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, जो कंपटीटर होते हैं, ठीक है ना, तो प्रतिद्वंदी जो होते हैं वो उन्हें एक दूसरे के बारे में ज्ञान नहीं होता है, एक दूसरे का उनके लिए ज्ञान नहीं होता है। संघर्ष में प्रतिद्वंदियों को सदैव एक दूसरे का ज्ञान होता है। संघर्ष में क्या होता है, जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनके बारे में एक दूसरे को ज्ञान होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला प्रश्न था। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।